चलिए आज बात करते हैं रियल हीरोज के बारे में। इसका मतलब मैं फौज या आर्मी का ही बात कर रहा हूँ। फौज चाहे किसी भी कंट्री का हो, उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका मेन काम होता है कि सरहद पे खड़ा रह के देश को रक्षा करना। ये लोग अपना जान का बाजी लगा के देश को बचाते हैं। हर एक आदमी अपना मुल्क का फौज को बहुत रिस्पेक्ट करता है। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्यों है हमारा फौज इतना आगे, इतना नीडर, इतना ब्रेव। मैं हूं आपके साथ आलोक कुमार, यू आर इन रेनबो व्हाइट। एक कहानी है हिम्मत वालों की। भूख और प्यास को साइड में रख के ओनली एक ही मकसद है, अपना टास्क पूरा करना। आज हम लोग जानेंगे पांच तरह का इंडियन स्पेशल फोर्स के बारे में। सबसे पहला नंबर में आता है मार्कोस, जो कि इंडियन नेवी का स्पेशल फोर्स है। इसे पहले मरीन कमांडो फोर्स के नाम से भी पहचाना जाता था। ये फोर्स एस्टेब्लिश हुआ था 1987 में। मार्कोस हर एक वातावरण, हर एक प्रकार का लड़ाई में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। समुद्री लड़ाइयों में मार्कोस सबसे ज्यादा माहिर माना जाता है। इन लोगों का मोटो है द फ्यू द फियरलेस। दाढ़ी वाला फौज, इसका मतलब द बियर्ड आर्मी के नाम से भी जाना जाता है ये फौज। नंबर टू पे है पैरा स्पेशल फोर्स और पैरा कमांडो। पैरा फोर्स इंडियन आर्मी का एक स्पेशल यूनिट है जो 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था। इन लोगों का ट्रेनिंग इतना टफ होता है कि 90% लोग आधे में ही ये ट्रेनिंग छोड़ देता है। नंबर तीन पे है गरुड स्पेशल फोर्स, एस्टेब्लिश हुआ था 2004 में। इसमें करीब 2000 कमांडोज है। गरुड कमांडोज का ट्रेनिंग पूरा होने में तकरीबन 3 साल का समय लग ही जाता है। इस यूनिट का नाम गरुड पक्षी के नाम पे रखा गया है। पठानकोट हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया और भी 10 अतिरिक्त स्क्वाड गरुड़ फोर्स में ऐड करने के लिए। नंबर चार पे है घातक फोर्स, जो कि एक स्पेशल फोर्स है इन्फेंट्री प्लेटून का। इन लोगों को स्पेशल ऑपरेशन के लिए नियुक्त किया जाता है। दुश्मनों के ऊपर अचानक हमला करना, उन लोगों का एयरबेस नष्ट कर देना, ये सब काम इन लोगों के अधीन में आता है। हर एक यूनिट में तकरीबन 20 घातक फोर्स के जवान होते हैं। घातक फोर्स का जवानों को एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है जिसमें ये लोग हर तरह का, हर टाइप का एनवायरनमेंट के साथ लड़ने के लिए मजबूत हो जाता है। नंबर पांच पे है एनएसजी कमांडोस, इसका मतलब हुआ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत की सबसे प्रमुख सिक्योरिटी में से एक है। इसका मेन काम है टेररिस्ट एक्टिविटीज और राज्य के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस को रोकना। एनएसजी कमांडोज का दो कैटेगरी होता है, एक है स्पेशल एक्शन ग्रुप और दूसरा है स्पेशल रेंजर ग्रुप। एक ग्रुप दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों से लहसा होते हैं। तो ये थी इंडिया की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस। अगर आपका कुछ भी सुझाव है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर एंड बाय बाय।